आप सभी को मेरा प्रणाम। हर्बल रेमेडीज़ एंड नेचुरल ट्रेजर में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम सीता अशोक की बात करेंगे और ऐसी पौराणिक मान्यता है कि माता सीता ने इसी वृक्ष के नीचे स्थान ग्रहण किया था पंचवटी वाटिका में, और इस प्लांट की महिलाओं के रोगों के लिए विशेष उपयोगिता है और हाईली मेडिसिनल प्लांट है। इसके सुंदर फ्लावर, इसके सुंदर फूल आप देख रहे हैं, ऑरेंज रेड कलर के इसके सुंदर फूल हैं। मित्रों, औषधीय गुणों के उपयोग के लिए सारा का इंडिका के फूल, इसके पत्र, इसकी छाल और मूल सभी औषधीय उपयोग में आती है। साथियों, ये सीसल पिनेसी का मेंबर है और सीड और कटिंग दोनों के माध्यम से इसका प्रोपेगेशन किया जाता है। मित्रों, यह वात और पित्त दोनों के समन का कार्य करता है। वीटिएटेड वाता कंडीशन अगर ज़्यादा हो जाती है तो डिसमेनोरिया की समस्या होती है, और जिसके अंदर पेट के अंदर क्रैम्प्स आना और पीरियड्स का इम्प्रॉपर होना डिसमेनोरिया का साइन होता है। और मीनोरेजिया की जो समस्या होती है वो पित्त के एग्रेवेशन के कारण होती है, पित्त के बढ़ जाने के कारण होती है। इसमें एक्सेस मेंस्ट्रुअल फ्लो आता है जिसके कारण बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है। दोनों ही समस्याएं माता और बहनों के शरीर के लिए कष्टदायक होती हैं। इससे निराकरण के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसकी छाल का क्वाथ बनाकर, इसकी आप छाल ले लीजिए और उसका क्वाथ बना लीजिए। 5 ग्राम छाल लेकर दिन में 2 बार 5-5 ग्राम छाल लेकर इसका क्वाथ बनाइए और उस क्वाथ में शहद मिलाकर सेवन कीजिए। धीरे धीरे हॉर्मोन्स के रेगुलेशन को करते हुए इन समस्याओं को दूर करता है। वंडरफुल इम्यूनागोग का ये कार्य करता है। साथियों, यह ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में भी बहुत अच्छी एक्टिविटी इसकी देखी जाती है, और इसका उपयोग हम आर्थराइटिस के लिए भी कर सकते हैं। आर्थराइटिस की समस्या के निराकरण के लिए आप इसके सुंदर फूल का फांट बनाकर सेवन कीजिए। फांट बनाने की विधि हम पहले भी बता चुके हैं। आप इन सुंदर फूल को कलेक्ट करके हॉट वाटर के अंदर डाल दीजिए और उसको ढक दीजिए। आधे घंटे बाद जब ये ठंडा हो जाए तो उसको छान के 10 से 15 ml दिन में 3 बार 6-6 घंटे के अंतराल कम से कम रखना चाहिए। वैसे तो 8-8 घंटे का रखना चाहिए, लेकिन दिन में 3 बार लेना है तो 6 से 8 घंटे का अंतराल रखिए और 10 से 15 ml इन्हीं सुंदर फूल का आपको फांट पीना है। आर्थराइटिस की समस्या को दूर करता है। साथ ही साथ जहाँ पे दर्द हो रहा है उस जगह आप इसके पत्र और इसकी छाल दोनों का पेस्ट बनाकर लगा दीजिए और 12 घंटे बाद उसको लूकवॉर्म वाटर से वॉश कर दीजिए। इस प्रकार से यह है आर्थराइटिस इन्फ्लामेशन की समस्या को दूर करता है। साथियों, ट्यूमर्स की समस्या भी, पित्त जनित जो ट्यूमर्स हैं उनके निराकरण के लिए भी आप इसकी छाल का डिकॉक्शन पीजिए और इसी प्रकार से पत्र और बार्क का पेस्ट बनाकर लगाइए। ट्यूमर्स की ग्रोथ को भी यह स्टॉप करता है, रोकता है। साथियों, कई बार वात और पित्त की समस्या अगर लंबी रहती है तो जिसके कारण पाइल्स की समस्या भी हो जाती है। मूलतः यह वात के बढ़ने के कारण होता है। वात के बढ़ने के कारण डाइजेस्टिव क्षमता कम हो जाती है और इम्प्रॉपर डाइजेशन के कारण धीरे धीरे कॉन्स्टिपेशन की समस्या बढ़ जाती है, और कॉन्स्टिपेशन की समस्या बढ़ने के कारण पाइल्स की समस्या हो जाती है। उस सब के निराकरण के लिए आपको इसकी छाल का डिकॉक्शन पीना है, जो वात की समस्या को ना केवल दूर करेगा, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स को भी यह सही करता है। पेट के अंदर वॉर्म्स हो गए हैं उनको बाहर निकालने का कार्य करता है, और शरीर के अंदर ग्लूकोज लेवल को मेंटेन रखते हुए डायबिटीज़ की समस्या को भी दूर करता है। इस प्रकार से मल्टीपर्पज इसका बार्क का डिकॉक्शन है, उसको आप सेवन कीजिए। साथियों, यह पॉलीफिनोलिक और फ्लेवोनॉइड कंपाउंड होने के कारण यह एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी भी इसकी होती है और कार्डियो प्रोटेक्टिव एक्टिविटी भी होती है, हृदय को बल देने का भी यह कार्य करता है। इसके फूल का आप पेस्ट बनाकर अगर चेहरे पे लगाएंगे तो चेहरे की कांति को बढ़ाता है, रिंकल्स को दूर करता है, पिंपल्स को दूर करता है। एंटी एजिंग एक्टिविटी इसके फूलों की
होती है। फ्री रेडिकल स्क्वेंजिंग एक्टिविटी करते हुए यह शरीर के टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है, लीवर के डिटॉक्सिफाई करता है, हार्ट को मजबूती देता है, हॉर्मोन्स को रेगुलेट करता है। इस प्रकार से ये प्लांट शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने में सहायक होता है। ये वंडरफुल इम्यूनो मॉडुलेटर भी है। आपने जाना कि किस प्रकार से आप इसको अपने हेल्थ के संवर्धन के लिए उपयोग में ला सकते हैं। मित्रों, आयुर्वेद की दृष्टि से तो ये महान औषधि है ही। विभिन्न प्रकार के आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन में इसका उपयोग किया जाता है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट 10 मूला रिष्ट का ये घटक भी है, और उस घटक में इसके होने के कारण इसकी औषधीय गुणवत्ता बहुत ज़्यादा है, जो कि प्री और पोस्ट प्रेगनेंसी कंडीशन में इसको दिया जाता है शरीर की इम्यूनिटी को बनाए रखने के लिए। कई बार इम्यूनिटी कम होने के कारण लगातार बुखार बनने की समस्या रहती है, उसको भी ये दूर करता है। साथियों, अगर सोडियम फ्लोराइड, एसिटामिनोफेन और आर्सेनिक, इन तीनों की अगर टॉक्सिसिटी शरीर के अंदर बढ़ जाती है, उसको भी दूर करने का ये कार्य करती है। धीरे धीरे डिटॉक्सिफाई करते हुए नॉन हैजार्डस लेवल तक पहुंचाती है, और वो धीरे धीरे उनको निकालकर हमारे शरीर को हष्ट पुष्ट रखती है। तो मित्रों, इसके फूलों का उपयोग आप स्किन केयर के लिए, आर्थराइटिस के लिए, इन्फ्लामेशन के लिए, मिनोरहेजिया, डिसमिनोरिया, कार्डियो प्रोटेक्टिव, लीवर रेमिडिएटर, इन सब के उपयोग के लिए आप इसके फूल बार्क पत्र का उपयोग कर सकते हैं। जानकारी को आप मित्रों, अगर अशोक की बात कही जाएगी तो सीता अशोक को ही अशोक कहना उचित होगा। सारा का इंडिका जो आप ऑर्नामेंटेशन पर्पस से लगाते हैं, पोली एल्थिया लॉन्गी फोलिया होता है, उसको अशोक कहना गलत होगा। वास्तव में अशोक का मतलब होता है शोक को दूर करने वाला। विभिन्न प्रकार के शोक, भय, उन सब का निवारण करने वाला ये प्लांट होता है। मानसिक लेवल पे अपना कार्य करता है। एंडेंजर्ड ये प्लांट है। अशोका रिस्ट मार्केट में इसकी कई फॉर्मुलेशन आती हैं, लेकिन ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में है, तो हम चिंतन कर सकते हैं कि अगर ये एंडेंजर्ड है तो इतना अशोका रिस्ट किस छाल से तैयार किया जा रहा है, ये सोचने का गंभीर विषय हो सकता है। साथियों, आप इसको कंजर्व कीजिए, कटिंग के माध्यम से आप इसको लगाइए, सीड के माध्यम से भी आप इसका प्रोपेगेट कर सकते हैं। सीड का उपयोग वर्म्स के एक्सपल्सन के लिए किया जाता है। सीड का उपयोग किडनी डिसऑर्डर्स के लिए करते हैं। इसके सीड का उपयोग हम स्टोन की समस्या होती है, यूरियोलिथियसिस कहते हैं, उसके लिए इसके सीड का उपयोग हम करते हैं। महान औषधि है, इसको संरक्षित कीजिए और अपने दैनिक जीवन में उसको आप उपयोग कीजिए। जानकारी को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी से विदा लेता हूँ, फिर मिलेंगे एक नए प्लांट के साथ, एक नए समाधान के साथ। आप सभी का धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।